पानी गिरने वाला था, उन्होंने उसे ठंडा किया ड्रैगन को, पानी डाल दिया। अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और हम सो गए थे ऑब्वियसली, तो हम सोते ही रह गए। हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, अभी भाग रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। भाई साहब इतना चिल नहीं करना था मेरे को। हम चलेंगे पार्टी करने। अरे हमारा तो जल्दी हो गया, हम लेट आए, हमारा 5 मिनट में सब हो गया यहाँ पे। ज्यादा मत बोल, अभी सिक्योरिटी है। हाँ अभी सिक्योरिटी भी है। डन डन डन, सब कुछ डन हो गया। और कि घर में कर रखे इन्होंने यहाँ पे। हम गेट पे आके बैठ गए अपने बच्चे बन के। हाँ और थोड़ा जल्दी आ गया, मतलब अच्छा हुआ जल्दी आ गया, क्योंकि हम लेट थे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लेट थे। तो चलो चलते हैं, मैं यही बोलता हूँ, चलो चलते हर सेंटेंस के, चलो चले। दनंग, अगर मैंने नहीं बताया तो, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ। हम जा रहे हैं दनंग, फ्लाइट में बैठ चुके हैं, 1 घंटे की फ्लाइट है हो ची मिन्ह सिटी से, और आज देखते हैं क्या करेंगे, वहीं जाके पता चला। हमारे वियतनामी भाई के साथ फ़ोटो लेते हैं। तो हम जा रहे हैं होटल की तरफ। यहाँ के बहुत सारे लोकल लोग यहाँ घूमने आए हैं, मतलब दनंग में। तो यह है घूमने की जगह, मतलब नॉर्मल सिटी जहाँ हम थे हो ची मिन्ह सिटी से, अब लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। कुछ लोग तो पहली बार आ रहे हैं। हाँ उनके लिए पहली बार है। हमारे साथ जो बैठा था वो कह रहा था मैं पहली बार जा रहा हूँ। जैसे हम पहली बार गोवा नहीं जाते। हाँ वो वाली वैसे काइंड ऑफ। हाँ तो वो लोकल लोग अपना यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, वीकेंड मनाने आए हैं। हम भी मनाएंगे वीकेंड। चलो आ गई हमारी टैक्सी। ईजी है यार ये बहुत, और इसमें ना फोटो खींच के बता सकते हो कि कहाँ पे हो तुम। अब ये फाइनल हो गया, हम यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर जगह है। सुंदर तो वो भी थी, सारी जगह, सब जगह रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। यस मॉर्निंग बीच टाइम, बीच पे आए थे हम। ये रहा हमारा होटल, नगुएन ग्ला होटल, और सामने ही बीच है, ये देखो। हम अभी ना बस खाना खाने ही जा रहे थे, क्योंकि रूम तो मिल नहीं रहा था। उन्होंने कहा था 11 बजे मिलेगा, वैसे तो 2 बजे मिलता है, बट 11 बजे दे रहे थे और अभी बजे थे सिर्फ 8:30। तो कह रहे हैं अब बस हम जैसे ही निकलने लगे तो उसने कहा कि कोई नहीं मैं तुम्हें रूम दे रहा हूँ, खाली करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए। यस Thank you, भाई साहब so इतना ज़्यादा थके हुए हैं, सोए भी नहीं हुए हैं। तो चलो चलते एक बार रूम में चल लेते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर चलते घूमने। चलो चलिए। मैंने तेरी हालत ऐसे खराब हो रखी है ना, बाल देख अपने। पता है मुझे। मनी यस ओशन व्यू, ओ भाई साहब दूर दूर तक पानी ही पानी और धूप। हाँ बारिश से बच रहे थे, यहाँ पे धूप से बचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, जबकि ये नॉर्थ में है, वो साउथ में, बट ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे भी, ऐसे ही होता है। नॉर्थ में गर्मी इतनी हो रखी है और साउथ में ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। तो हम वैसे तो सो गए थे थोड़ी देर नहा धो के, लेकिन अब हम रेडी है, और हमने होटल वालों से पूछा कि स्कूटी मिलेगी या नहीं, तो वो ही बता कर रहे हैं कि स्कूटी कहाँ से मिलेगी, और फिर हम स्कूटी पे चलेंगे, क्योंकि बहुत दूर है, और दूर की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा धूप इतनी है तो पैदल चलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा मेरे को। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, वहीं होगा सब कुछ। स्कूटी हमें बताया भी नहीं, हमें कौन सी चूज़ करनी पड़ेगी, हमें बस दे दी। चले रेडी है तू? यस। बैठ जा बेटा। पहुंच गए, कुछ खा लेते हैं पहले, पेट्रोल डलवाने से पहले हमें कुछ रास्ते में मिल गया। पहले अंदर पेट्रोल डलेगा, फिर स्कूटी पे पेट्रोल डलेगा बेसिकली। सही बात है। चलो बाद में चलते हैं। कितनी अच्छी वाइब है यार यहाँ पे, समर वाइब। कितनी अच्छी हवा चल पड़ी है ना, वहाँ धूप है लेकिन इतनी तेज ना लगने वाली धूप, ये सूखने वाली नहीं है। थैंक यू, इतनी मस्त बर्फ दिए उन्होंने बियर के लिए। ये उन्होंने सॉस ऑलरेडी दे दी है ऑयस्टर की, इसमें सेसमी सीड है, चिली है, गार्लिक है, लेमन है, सब कुछ मिक्स करके दे दिया उन्होंने ऑलरेडी, अलग अलग नहीं दिया।
तो ठीक है कोई बात नहीं। ये है वैसे ऑयस्टर्स और इन ऑयस्टर्स में डला है पीनट बटर चिली और नींबू। गो अभी पेट्रोल डलवाते हैं फिर स्कूटी को लेके चलते हैं घर वापस ताकि पेट्रोल भी रहे स्कूटी में और शाम को हम घूम पाए ढंग से क्योंकि हमारा एक टूर भी है आज दिन में 3 बजे उसके लिए हमें वेट करना है होटल में ही होटल में लेने आएंगे हम। एंड सर आपको स्कूटी कितने की रेंट पे पड़ी पर डे? स्कूटी हमें रेंट पे पड़ी है 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख वियतनामी डोंग में पड़ी है हमें इसका मतलब 500 रुपये में ऑलमोस्ट 500 रुपये। ओके तो हमने पेट्रोल डलवा लिया है यहाँ पे 1 लाख वियतनामी डोंग का 3.2 लीटर समथिंग पेट्रोल आया है जो कि महंगा ही है 105 रुपये लीटर पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है कोई नहीं स्कूटी चलानी है इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं 3 लीटर बहुत है 3 लीटर में हम पूरी दुनिया घूम लेंगे। ओहो चलो चले तो हम आ गए हैं दानंग की गलियों में अभी रोड पे चल रहे थे दानंग के घर देख रहे हैं। ओके तो हम अभी थोड़ी देर के लिए होटल आ गए थे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए क्योंकि हमारा टूर होने वाला है स्टार्ट और वो नीचे आ चुके हैं मन्नी मेरी ड्रेस बांध रहे पीछे और बस उनका फोन वोन सब आ गया। ओके लेट्स गो डन डन। हां उन्होंने हमें लॉबी में बुलाया और वेट कर रहे हैं हमारा फिर हमारा टूर स्टार्ट होएगा घूम ही करेंगे। ओके वो थोड़ा सा लॉस्ट हो गए हैं वो आ रहे हैं पता नहीं कैसे उन्हीं का जगह है ये तो लोकेशन भेज देना अपनी। नहीं वो कह रहे हैं उन्होंने देख लिया। हेलो फाइनली हमारी वैन बस मिनी बस आ गई है। तो बहुत देर के बाद हम पहुंच गए हैं बस में कहीं और नहीं पहुंचे बस में बैठ गए हैं और हमने ये टूर बुक किया था वो मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये टूर में हमारा 3-4 चीज़ें हैं और वो तुम अब सब देखोगे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है देखने में मज़ा आएगा तो चलो वहीं चलते हैं चलो वहीं चलते और कोई लाइन सोचनी पड़ेगी मेरे को अपने लिए नहीं। ये दनंग का मी खे बीच मी मतलब ब्यूटीफुल खे मतलब बीच मी खे ब्यूटीफुल बीच जो हम मार्बल माउंटेन देखने जा रहे हैं उनसे बने हुए ये स्टैचूज है ये तीनों स्टैचूज है ना ये अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करती है जैसे ये लॉन्जिविटी एंड वेल्थ एंड हैप्पीनेस जो हंस रहे हैं। हम उस माउंटेन पे जा रहे हैं और हम एलिवेटर से जाएंगे आसमान की ओर। भाई साहब ये कितना ज़्यादा कूल नहीं है हमें लगा था हम एलिवेटर से जा रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा नहीं सीढ़ियों से चलो हेल्थ बनाओ अपनी बट ये ज़्यादा बेटर है ये एक्सपीरियंस करना ज़्यादा अच्छा है। मनी बिग बुद्धा मनी कहाँ गए हम ये मनी ये 500 साल पुराना पेड़ है ये वाला तो ये सिटिंग बुद्धा है और इन्हीं के पीछे लाइंग बुद्धा है वो लेटे हुए हैं और वो देख नहीं सकते हम लेकिन उसके उनका जो सर है वो दिख रहा है। हाँ हमने बैठे हुए बुद्धा देख लिए लेटे हुए देख लिए अब स्टैंडिंग बुद्धा यहाँ की ब्यूटी नहीं कैप्चर कर पा रहे हम भाई। हाँ मैं बहुत ट्राई कर चुका मैं पसीना पसीना हो गया बट मैं नहीं दिखा पा रहा कि रियल चीज क्या है। क्रेजी तो हो सकता है कुछ चीज़ें बताते बताते हम अपनी भाषा में कुछ वर्ड्स गलत भी साथ में बोल दे तो उसके लिए सॉरी मिक्स कर देते हैं हम चीज़ें कई बार तो वो unknowingly हाँ तो वो हम भी जान रहे हैं धीरे धीरे तो तुम्हें भी जितना जानते हैं उतना बता पा रहे हैं पूरी स्टोरी हमें भी नहीं पता क्योंकि ऑब्वियसली वो भी हमें इंग्लिश में समझा रहे हैं जबकि उनकी वो मेन लैंग्वेज है भी नहीं उन्हें बहुत थोड़ी टूटी फूटी आती है तो वो भी हमें टूटा फूटा ही समझा पा रहे हैं। आ गए हम यहाँ पे तो यहाँ से हमें पूरी सिटी दिख रही है ये वो लिफ्ट है जिससे हम आ सकते थे डायरेक्ट नीचे से लेकिन हम पैदल चल के आए बट वो ज़्यादा अच्छा था वो ज़्यादा अच्छा था और हमें यहाँ से वो आइलैंड भी दिख रहा है चम आइलैंड पीछे ये वहाँ पे है
होयान में, और यहाँ पे पूरा सिटी व्यू। तो अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, होयान। यस, बिल्कुल दूर है, दनंग से बाहर जाके है होयान। और हमें पता चला है वहाँ पे कादल बादल बरस चुके, बरज रहे कुछ, मतलब आ गए हैं तो बारिश हो सकती है उधर। हाँ, बादल काफी ज्यादा आ गए हैं। तो हम आ गए हैं होयान के एंशिएंट टाउन में, अभी एंट्री करेंगे वहाँ पे। समर 2022 और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मानी जाती है बाय यूनेस्को। पता है इसे रियलाइज नहीं होता, बट जब काफी अंदर आ गए ना मार्केट में, तब पता चल रहा है कि हाँ अच्छा है कि यहाँ पे कोई स्कूटर बाइक नहीं चल रही, क्योंकि जब भी हम नॉर्मल मार्केट्स में जाते हैं पी 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 हटो 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 धक्का मुक्की, और अभी तो प्यार से सड़क के बीच में चल रहे हैं, अलग वाइब होती है। तू नहीं समझ पाएगा शायद, बट नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोल रहा ताकि सब सुन पाए। हाँ थैंक यू, ये मेरे को ताना दे रहा है क्योंकि मैं बीच में बोल रही थी बारिश हो गई। अब हमारा एक्चुअल एंशिएंट टाउन में एंट्रेंस है, और ये हमने ब्रिज पार कर लिया है। अभी हमें ओल्ड टाउन में दूसरे वाले ब्रिज के उधर न्यू टाउन है, वहाँ पे और बड़ी मार्केट लगी हुई है। अभी बारिश भी हो गई है, हम छाते में आना है, तुम्हें लेके आना पड़ेगा। और अभी अच्छा वेदर, एक और जगह जा रहे हैं उनके साथ, लोगों के साथ, फिर हम अकेले घूमेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ एक और चीज़ देख लो, और अच्छा भी है क्योंकि वो हमें कुछ नया ही बता रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ था और क्या कैसे था सब कुछ। तो हम यहाँ जो इनका मेन टेंपल है, मेन एंट्रेंस के पास में ही है, वहाँ आए सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे टाउन घूमेंगे पूरा पूरा। आज बहुत रश है, वीकेंड है, बहुत ज़्यादा, और अपने सामान का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ठीक है चलेगा। हम एक 100 साल पुराने घर में आए हैं, और यहाँ पे जो बाहर अंकल जो अब टिकट दे रहे हैं वो 6th generation है। ये है हर्बल ड्रिंक बन माई, आई गेस यही नाम है इसका, बन माई, और हमने यहाँ से लिया, ये हर्बल ड्रिंक है, और ये दिखने में भी हर्बल ड्रिंक ही लग रही है। और बैम्बू स्टिक जो है, बैम्बू से इन्होंने स्ट्रॉ बनाई है, 15,000 रुपये, सॉरी वियतनामी डोंग। ये लकड़ी के बने हुए हैं, उनकी रूट्स उनकी दाढ़ी है। तो हम रिवर के मेन ब्रिज पे आ गए हैं, और यहाँ से बोट राइड ले सकते हैं, अभी नहीं लेंगे, अभी थोड़ा घूमते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद ये राइस शीट के रोल बना रहे हैं, ये खाना होता है मेरे को। अलग ही रोल लग रहा है। तो हमने खाता हुआ देखा था किसी को कल, हम सोच रहे थे ये कहाँ मिल रहा है, और आज मिल गया। फाइनली हम जा रहे हैं बोट राइड पे, और ये बोट राइड है 1,00,000 वियतनामी डोंग्स की, मतलब 300 रुपये 20 मिनट के लिए, और उसमें हमें कैंडल भी मिलेगी बहाने के लिए। अब मैं कह सकता हूँ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो वैसा ही दिख रहा है। कैमरा नीचे नीचे से जाने देख के, अब मेरे को लगा तू रह ही जाएगी ब्रिज के साथ। हाथ लगा दो सब, चलो बाय प्यारे लल्ले साथी, हमने लास्ट 5 मिनट बहुत अच्छे से बिताए, हैव फन, बाय बाय। और हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास, उन्होंने हमें बुलाया था, 7:20 तक पहुंचना था हमें, अभी मेरे ख्याल से 7:15 हो रहे हैं, हमें 5 मिनट में भागना है, और 1 किलोमीटर का रास्ता है, वैसे तो 15 मिनट लगेंगे उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कोई नहीं, वहाँ जाके खाने ही खाना है, तो वो हमारा ऐसा कोई खास वेट नहीं करेंगे, वो खाना स्टार्ट कर देंगे, और क्या होगा, हमने वैसे भी छुटपुट कुछ कुछ खा लिया है। यम्मी यम्मी। फाइनली हम खाने वाली प्लेस पे आ गए, और मुझे हैप्पी रूम जाना है, हैप्पी रूम का यहाँ पे मतलब है वॉशरूम।
बहुत ही प्रिटी क्यूट लिटिल, ऐसे हिडन जेम्स नहीं होते वैसे वैसे जगह लेकर आए हैं हम। मुझे नहीं लगता हम शायद ढूंढ पाते क्योंकि ये मार्केट से बहुत आगे जाके है। अगर हम अकेले आते तो मैं कहती हाँ हाँ चलो घर चलते हैं, बट ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं सब कुछ खा पा रही हूँ, मुझे कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और इनफैक्ट मैं स्वीट डिश भी खा पा रही हूँ। ये है कॉर्न में कोकोनट की पुडिंग। ओके, हमारी ट्रिप ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमने उन्हें कहा कि हमें होटल मत छोड़ो क्योंकि 9 बजने वाले हैं, और यहाँ पे 9 बजे वीकेंड पे हर सैटरडे और संडे नाइट यहाँ पे 9 बजे फायर शो होता है, और वो भी फायर शो पता है कहाँ होता है? ड्रैगन ब्रिज पे, और सब लोग वहीं जा रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो रखी है जब रामलीला हो रही होती है लास्ट वाले दिन पे, जब रावण को जलते हुए देखने के लिए लोग आ जाते हैं, गाड़ियां स्कूटियां खड़ी करके दूर से देखते हैं, पार्क में पुल पे खड़े हुए लोग पुल पे खड़े होते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है। बिल्कुल ऐसे न्यू ईयर नहीं होता है 10, 9, 8, 7 काउंटडाउन वही होने वाला है। आई गेस 1 मिनट बचा है अभी। ये रहे हमारे दोस्त, इनके साथ देखेंगे। वाले आग उसके नीचे बैठे हैं, हमारे पीछे कोई भी नहीं है, हमारे नीचे कोई नहीं है। यहाँ पे उन्होंने पहले कहा था नीचे मत बैठना, यहाँ पे वो गिरता है पानी वानी, बट पता नहीं पानी क्यों कह रहे थे, क्योंकि आग ही गिरेगी सीधा। उन्होंने उसे ठंडा किया, ड्रैगन को पानी डाल दिया। छुट्टी हो गई, छुट्टी ये बाय बाय हो गई। देखो सब जा रहे हैं, आराम से जाना, आराम से घर सब पहुंच के फोन कर देना मेरे को। हम कैसे घर जाएंगे, हमारा तो कोई ऐसा पता ही नहीं है। टैक्सी चाहिए हमें, या फिर पैदल भागना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा वैसे भी होटल तक, और अगर बीच में कुछ मस्त मिला तो वो भी खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे अभी। वाह।